तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। बट यहाँ पे गाइस फिलहाल हम उतरते हैं स्टेडियम पे और स्टेडियम पे मेरे अलावा आ जाती है यहाँ पे दो स्क्वाड और दो स्क्वाड में सबसे पहले सामने एक बंदा स्पॉट होता है। अब यहाँ पे गाइस छत की दूसरी साइड में दो बंदे को स्पॉट करता हूँ बट तभी सामने में एक बंदा आ जाता है। अब यहाँ पे गाइस जिन बंदों को मैंने स्पॉट किया था मैं उनकी ओर भागता हूँ और तभी सामने में वो बंदा दिखाई देता है। और अब यहाँ पे गाइज वीडियो में जो इंटरेस्टिंग बात थी वो बात गाइज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे गाइज मैं एक चैलेंज खुद के लिए करता हूँ कि यहाँ पे गाइज जो दो गन्स मेरे को मिली हैं शुरुआत में इन्हीं से गाइज मैं पूरा होल गेम कंप्लीट करूँगा। और अब यहाँ पे गाइज जब तक मैं अपने आप को हील करता हूँ तब तक यहाँ पे गाइज आप लोगों को जाना है कमेंट सेक्शन में और बताना है कि क्या ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं। अब यहाँ पे गाइज जैसे मेरी हील कंप्लीट होती है यहाँ पे मैं सीधा पुश कर देता हूँ बंदे पे और क्योंकि यहाँ पे गाइज नीचे साइड से आ रही थी गन साउंड्स तो यहाँ पे गाइज मैं सीधे नीचे की ओर पुश करता हूँ। और अब यहाँ पे गाइज इसी के साथ स्टेडियम पूरा खाली हो जाता है यहाँ पे सिर्फ मैं बचता हूँ। यहाँ पे गाइज स्टेडियम से अपनी लूट कंप्लीट करने के बाद मैं आता हूँ गाड़ी के पास और गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ बंदों की तलाश में। Enemy down. अब यहाँ पे गाइज ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात होती कि इस बंदे ने अपने हाथ में एस्टूल के नहीं पकड़ी होती। अगर ये इस बंदे ने अपने हाथ में एस्टूल के पकड़ा होता तो यहाँ पे गाइज मेरे चैलेंज का यहीं पे द एंड हो सकता था। अब हालांकि गाइज यहाँ पे ये बंदा अपार्टमेंट से इस साइड आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे गाइज इसके टीममेट भी इसके पीछे पीछे ना आ रहे हों और यहाँ पे गाइज ये सोचकर मैं अपनी गाड़ी को घुमा लेता हूँ। और यहाँ पे गाइज जैसे गाड़ी घुमाता हूँ मुझे सामने में स्पॉट होता है एक बॉट। अब यहाँ पे गाइज जैसे इस वाले बॉट को मैं नॉक करता हूँ सामने मुझे दिखाई देते बंदे जो कि आए होते हैं बग्गी से और उनकी बग्गी भी पलट जाती है। अब यहाँ पे गाइज मैं अपनी वाली गाड़ी उठा के आ जाता हूँ इस वाले सैक पे। अब यहाँ पे गाइज मैं चाहता तो बंदों पे डायरेक्ट स्लैमिंग करके उन पे रश कर सकता था बट मैं ये नहीं करता और उसका रीजन ये है गाइज कि अगर उन बंदों पे S12 के होती तो मेरे चैलेंज की ऐसी की तैसी इसी जगह पे हो जाती। Down. और अब यहाँ पे गाइज अगर आप लोगों ने ध्यान से साउंड सुना होगा तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड से फुटस्टेप की साउंड आई होगी और राइट साइड से फायरिंग की साउंड आई होगी। अब यहाँ पे गाइज लेफ्ट साइड से जो फुटस्टेप आई थी ये तो मेरे को कंफर्म था कि वो बॉट और मैं वेट कर रहा था गाइज सामने वाले बंदे उस बॉट को मारने के लिए ओपन में आए और होता भी यही है। Enemy down. और अब यहाँ पे गाइज बारी थी इसके टीममेट की तो यहाँ पे गाइज मैं एक ड्रिंक लगाता हूँ गाड़ी में बैठता हूँ और इस बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन लेने के लिए जाता हूँ। और यहाँ पे गाइज इसी के साथ इस वाली स्क्वाड का लास्ट बंदा भी मारा जाता है और यहाँ पे गाइज मैं गाड़ी उठा के और बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ। और यहाँ पे गाइज मैं कर रहा होता हूँ बंदों की तलाश और तभी मुझे आ जाती इस साइड से गन साउंड। एनिमी डाउन। और अब यहाँ पे गाइज जैसे ये वाला बंदा नेट से थोड़ा सा डैमेज होता है मैं इस वाले बंदे पे करने वाला था पुश फिर मेरे को याद आता है चैलेंज और यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं एक नेट करता हूँ इस वाले बंदे पे। Enemy down. Enemy down. अब यहाँ पे गाइज इस वाले बंदे से फाइट लेने में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे गाइज इस वाले बंदे को जैसे ही मैं नेड करता हूँ वो वाला नेड इस ना तो दरवाजे पे टकराता है ना तो इस बंदे पे ना ही दीवार विवाल पे सीधे वो वाला नेड बिल्डिंग के ही बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे गाइज इस वाले चैलेंज को कम्प्लीट करते समय मेरे साथ यहाँ पे गाइज तीन खतरनाक चीज़ें होती है जिनमें सबसे पहला ये होता है। अब यहाँ पे गाइज ऊपर वाले बंदे को मारने के लिए सबसे पहले मैं मॉली ट्राई करता हूँ बट इससे कुछ होता नहीं है बंदे को और ऊपर वाले बंदे पे क्या होता है वो अभी आप लोगों को पता चलेगा जिससे मैं बाल बाल बच जाता हूँ।
और अब यहाँ पे गाइज मैं बाल फल बच जाता हूँ और ये वाला बंदा गाइज खुद के आरपीजी से खुद को फोड़ लेता है और यहाँ पे गाइज मेरा किल भले ही चला जाता है बट यहाँ पे गाइज मैं फिलहाल सही सलामत बच जाता हूँ। अब यहाँ पे गाइज काफ़ी देर से बग्गी उठा के मैं खुद तलाश में था बंदों की और यहाँ पे गाइज मैं जैसे ही इस वाले बिल्डिंग के सामने आता हूँ मुझे गाइज यहाँ पे रोड के दूसरे साइड वाली जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर थोड़ी सी एकदम हल्की सी हलचल सी दिखाई देती है। मुझे ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई बंदा है जो कैंप कर रहा होता है। अब यहाँ पे गाइज इस वाले बंदे को मैं नीचे बुलाना चाह रहा था क्योंकि मैं उस वाले बंदे पे पुश नहीं करना चाहता क्योंकि गाइज चैलेंज की लगभग कंप्लीट ही होने वाला होता है और यहाँ पे गाइज अगर उस वाले बंदे पे एस्ट्रोल के निकल गई तो यहाँ पे गाइज चैलेंज की ऐसी की तैसी इधर ही हो जानी लास्ट मोमेंट पे आके। अब यहाँ पे गाइज इस वाले बंदे को मैं गाइज स्मोक के थ्रू डरा कर नीचे बुलाना चाह रहा था क्योंकि गाइज यहाँ पे नेट थी नहीं मेरे पास और मैं ऊपर बंदे पे पुश करना नहीं चाहता और यहाँ पे गाइज मैं स्मोक करता हूँ ये बंदा डर कर नीचे आ भी जाता है। अब यहाँ पे गाइज फाइनली लास्ट बंदा बाकी होता है और यहाँ पे गाइज इस बंदे को मारते समय भी मेरे साथ स्कैम हो जाता है। स्कैम क्या होता है वो देखना आप। अब यहाँ पे गाइज लास्ट वाला बंदा भी गाड़ी लेके घूम रहा होता है लास्ट सर्कल में और मैं भी गाड़ी लेके घूम रहा होता हूँ तो यहाँ पे गाइज मैं फाइनली गाड़ी से उतर के इस वाले बंदे पे स्प्रे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे गाइज जैसे ही इस वाले बंदे पे स्प्रे कनेक्ट करता है ये वाला बंदा जोन के बाहर भागता है। जोन के बाहर जैसे ही ये अपने किल जोन को दे देता है और यहाँ पे गाइज इसी के साथ तुम्हारे भाई का चैलेंज हो जाता है कंप्लीट। तो गाइज अभी के लिए बाय बाय टेक केयर।